पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मेरा नाम विपिन गुप्ता है। मतलब ये आग लगी है, कहाँ पर आग लगी है, तो कैसे आग लगी है? ये आग लगी है बर्तन बाजार में, मियां साहब गली है, मियां साहब गली के नुक्कड़ पर कचौड़ी वालों की दुकान है गौरव बाशने की। ये हमने देखा, हम लोग अपनी दुकान पर बैठे थे, यहाँ आग लग रही है। किसी व्यक्ति ने हमें आकर बताया, हमने तुरंत ही फायर ब्रिगेड को हमने भी फ़ोन करा, फिर फायर ब्रिगेड के पड़ोस में ट्रांसपोर्टर हैं उन्हें भी फ़ोन करा, वो बोले यहाँ से फायर ब्रिगेड चली गई है। फिर हमने इंस्पेक्टर कोतवाली को फ़ोन करा, इंस्पेक्टर कोतवाली भी तुरंत ही मौके पर आ गए थे और फायर ब्रिगेड भी मैं समझ रहा हूँ 10 मिनट के अंदर अंदर मौके पर आ चुकी थी। सर पता चला किस कारण आग लगी थी? ये कुछ नहीं पता लगा, जब बाद में उन्होंने सिलेंडर बाहर को निकाले तो थोड़ा सिलेंडर फटा हुआ दिखा। तो कोई किसी प्रकार कोई हानिवादी या अभी कुछ नहीं कहा जा किसी सकता? किसी जानते हो? नहीं नहीं, सब बहुत सुरक्षित हैं। ये अच्छा था, इस समय का हादसा था, तुरंत ही हमने मंडी चौक फोन करके लाइन कटवा दी बिजली की। सब लोग सुरक्षित हैं, सब सुरक्षित हैं, सबकी दुकानें सुरक्षित हैं, आस पास की दुकानें सुरक्षित हैं। ठीक है सर। सर क्या नाम है आपका? गौरव बाजने। सर अभी आपकी दुकान में एक आग लगी है, किस प्रकार आग लगी है? शॉर्ट सर्किट से लगी है। किस चीज़ की दुकान है आपकी? कचौड़ी की दुकान है। सर पता है क्या, किस आपको कैसा पता लगा आपकी दुकान में आग लगी? हमारा बराबर में विपिन गुप्ता जी मीडिया पर आ रही, उन्होंने फोन किया। सर कितने साल पुरानी दुकान थी? 20 साल पुरानी। सब कुछ जल कर आपको? बिल्कुल कुछ नहीं बचा। यही आप खुद देख सर, यही जरिया था बस आपको कमा क्या था? यही जरिया। सर कोई गैस सिलेंडर भी फटा है? हाँ सर। ये एक कचौड़ी की दुकान थी जिसमें आग लगी थी। घटना प्राप्त होते ही तुरंत हमारी फायर सर्विस की यूनिट रवाना हुई, यहाँ पर पहुँच कर देखा कि आग लगी हुई थी। छोटी दुकान थी, इसका शटर बंद था, तो बाहर से ही जो है शटर में जगह बना करके जो है फायर फाइटिंग ऑपरेशन स्टार्ट किया गया। थोड़ी देर बाद हालांकि बच के बहुत बच के काम किया गया, क्योंकि उसमें पता चला था LPG सिलेंडर रखे हुए, लेकिन जो है एक LPG सिलेंडर उसी दौरान आग जाते वक्त जो है एक LPG सिलेंडर फटा, जिससे जो है आग ज़्यादा भड़क गई और वो आग जो है दुकान से थोड़ा निकल करके नाली के रास्ते LPG जैसे उसमें निकली तो उसी दुकानों में फैलने की कोशिश उसमें जो है, और हमारे जो फायर फाइटिंग के जवान थे उन्होंने तुरंत जो है उस आग को बुझाया ताकि दूसरी आस पास की जो दूसरी दुकान है उनमें आग ना फैल पाए। और उसके बाद जो है बड़ी सूझबूझ के साथ उन्होंने अपने फायर उपकरणों के साथ शटर को साइड से तोड़ करके रेस्क्यू उपकरणों के द्वारा उसमें एंट्री किया और साइड से जो है आपको पापा उठाया गया, पूरी तरह से आपको बुझा दिया गया है, कोई जनहानि नहीं हुई है। छोटी दुकान थी, 2 सेंटर से एक फट गया, 1 सेंटर को निकाल सुरक्षित निकाल। नुकसान बताया? थोड़ा ही नुकसान है, जो सामान वगैरह रखा था उसमें कार्टून वगैरह 2-4 वही जले हैं, बाकी और कोई बड़ा नुकसान नहीं। सर किस चीज़ की दुकान थी? ये कचौड़ी बनाने वाली टाइप की दुकान थी, जो कचौड़ी वगैरह पकौड़ी वगैरह चलते हैं। कितनी गाड़ी आ गई? हमारी 2 फायर सर्विस की गाड़ी और FSO साहब और मेरे द्वारा यहाँ पहुँच के कार्रवाई की गई। अभी ASP साहब भी यहाँ पे आ गए हैं, उनके द्वारा भी देखा जा रहा है, उनका मुआयना किया जा रहा है ताकि और कोई समस्या उत्पन्न न हो, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या उत्पन्न न हो, और तुरंत रास्तों को साफ कराया गया और घटना को जो है एकदम से पूर्ण रूप से काबू करके। कोई झुलसा तो नहीं? नहीं नहीं, कोई घटना में ऐसा कोई नहीं है, किसी को कोई हाथ नहीं हुआ है, कोई झुलसा नहीं, किसी को केवल कुछ सामान जलाया। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।